नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जलालाबाद में चोरों के आतंक से लोग परेशान, एक ही रात में दो दुकानों पर चोरों ने बोला धावा, दीवार तोड़कर नकदी और सामान चुरा ले गए शातिर चोर। शाहजहांपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन, नगर निगम के सभी वार्डों से मंगाई गई मिट्टी को पार्षदों ने अपने हाथों में लेकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान मेयर अर्चना वर्मा ने लोगों से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। काकोरी ट्रेन एक्शन के मौके पर शहीदों को किया गया नमन, जिलाधिकारी ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया, स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने निकाली रैली। निगोई के उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने बोला धावा, 6 अगस्त को चोरों ने स्कूल के दरवाजे को तोड़कर सामान किया चोरी, प्रधानाचार्य ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। और जिला दिव्यांग बंधु कमेटी की बैठक हुई संपन्न, जिला अधिकारी ने बैठक की, दिव्यांगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के जिला अधिकारी ने दिए निर्देश। ये थी हेडलाइंस और अब दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जलालाबाद क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात चोरों ने जलालाबाद क्षेत्र के पुरैना गांव में दो दुकानों पर धावा बोल दिया। इस दौरान चोर दुकानों की दीवार काटकर अंदर घुसे और नकदी के साथ साथ 1.5 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकान मालिक शक्तिमान और रामाश्रय ने पुलिस को शिकायत दी है और अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। काकोरी ट्रेन एक्शन की आज वर्षगांठ के मौके पर नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर नगर आयुक्त ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को मात देने के लिए शाहजहांपुर से वीर शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसको प्रतिवर्ष काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में मनाया जाता है। आज शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान मांग की गई है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और देश की आज़ादी में शहीद हुए जवानों के परिजनों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तहसील और जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाए। शाहजहांपुर में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास कार्यक्रम में मेयर अर्चना वर्मा ने नगर निगम के 60 वार्डों से मिट्टी मंगवाकर पार्षदों ने अपने हाथ में मिट्टी लेकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शपथ ली। इस दौरान मेयर अर्चना वर्मा ने लोगों से राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन न्यू ककरा सिटी के जैव विविधता पार्क में हुआ। अर्चना वर्मा का कहना है कि जिस तरह से हमारे अमर शहीद बलिदानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे ही आज हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। कांट के राजकीय इंटर कॉलेज में आज पंच प्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई कि विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व और एकजुटता के साथ साथ नागरिकों में कर्तव्य की भावना को लेकर शपथ दिलाई गई।
निगोई के रतौली गांव में 10 महीने के बच्चे को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात 10 महीने का बच्चा अपनी मां के साथ बिस्तर पर सोया हुआ था, तभी बच्चे को सांप ने काट लिया। बच्चे में हरकत ना होने पर परिवार वालों ने जब उसके शरीर को देखा तो वहां पर सांप के काटने का निशान दिखाई दिया, जिसके बाद परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले में इस बार सांप काटने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। काकोरी ट्रेन एक्शन के मौके पर आज जनपद के इतिहास पर लिखी गई 1857 पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में शाहजहांपुर का इतिहास पर लिखी गई पुस्तक 1857 का विमोचन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शाहजहांपुर ऐतिहासिक गौरव प्राप्त जिला है, लेकिन समय के प्रभाव में इसका गौरव विस्मृत सा होता जा रहा है। जनपद के संदर्भ में इतिहास का लेखन अतीत के खोए हुए गौरव को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज एसपी कॉलेज में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थाए अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य संजय कपूर ने कहा कि हमको नशा नहीं करना है, तंबाकू पान मसाला और सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों से हमें दूर रहना है। ये सभी नशीले पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। आज़ाद अधिकार सेना उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान संगठन ने ज्ञापन देते हुए कहा कि देश में इन दिनों राजनीतिक दलों द्वारा जहर घोलने का काम किया जा रहा है। मणिपुर और हरियाणा के मेवात में हुए घटनाक्रम बेहद निंदनीय है, ऐसे में माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर आज जिलाधिकारी ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। जिलाधिकारी ने खीरनीबाग स्थित शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर काकोरी कांड के शहीदों को नमन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट के द्वारा एक रैली भी निकाली गई। जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। निगोई के उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगातार चोरियां होने से स्टाफ में दहशत का माहौल है। विद्यालय की प्रधानाचार्य अलका का कहना है कि स्कूल में 3 जुलाई और 6 अगस्त को चोरी की घटनाएं हुई हैं। चोर स्कूल के दरवाजे की कुंडी और खिड़की तोड़कर स्कूल की संपत्ति चुरा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी चोर का चेहरा नजर आया है। प्रधानाचार्य अलका का कहना है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद भी अभी तक चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल के आसपास अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इस मामले में प्रधानाचार्य ने पुलिस से चोरी के खुलासे की मांग की है। भारतीय किसान मजदूर संघ यूनियन के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सरकारी गौशालाओं की स्थिति दयनीय है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मार्गों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गौशालाओं की स्थिति को सुधारा जाए और कच्चे मार्गों पर हो रहे जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारियों की तमाम समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कन्हैया हौजरी के कर्मचारी की पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई को गलत बताया है। इस दौरान व्यापार मंडल ने कहा कि नीरज गुप्ता बेहद मिलनसार और सम्मानित व्यापारी हैं, ऐसे में उनके खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शहीद उद्यान में इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जलालाबाद क्षेत्र के उमरिया गांव में आज एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान उमरिया मंदिर के पास भगवान परशुराम की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उच्चाहार से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व MLC जयेश प्रसाद ने किया। इस दौरान कहा गया कि
परशुराम भगवान ब्राह्मणों के लिए उनके आराध्य हैं। इस दौरान पूर्व MLC ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब ब्राह्मणों को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अगर ब्राह्मण एक हो गया तो उसे सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला दिव्यांग बंधु कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग शिक्षकों को BLO न बनाए जाने के लिए BSA को निर्देश दिए हैं। बैठक में नदारद रहने वाले ARM परिवहन को जवाब तलब करने के निर्देश दिए, तो वहीं बस अड्डों पर बसों में दिव्यांगों के साथ अमानवीय व्यवहार न होने पाए इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर आज शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर नगर निगम की मेयर अर्चना वर्मा, भाजपा चौक मंडल अध्यक्ष वैभव खन्ना और सदर मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह के साथ साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज ददरौल ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय सहबाज नगर के छात्र छात्राओं द्वारा अपने घर और खेत से मुट्ठी भर मिट्टी लाई गई और विद्यालय में स्थापित अमृत कलश में सभी छात्र छात्राओं और विद्यालय के सभी शिक्षकों और रसोइयों ने भी मुट्ठी भर मिट्टी कलश में डाली।